चलेगा। जैसा कि आपने एक छोटा सा रिएक्शन वीडियोस क्लिप देखा, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कैसे आप भी इस टाइप का जो रिएक्शन वीडियोस क्लिप है टोटल एक मोबाइल फोन से बना सकते हैं। गाइस मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा, कहां से आपको वीडियोस क्लिप को डाउनलोड करना है विदाउट कॉपीराइट फ्री और कैसे फिर आपको उस पर रिएक्शन देना है। तो गाइस सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल के लाइव स्क्रीन पर बताऊंगा। तो गाइस अगर आपने वीडियोस को जरा भी स्किप कर दिया तो गाइस आप अच्छे से मतलब जो समझ नहीं पाएंगे और आगे चल के आपको कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है। तो गाइस इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियोस को स्किप नहीं, आपने वीडियोस को पूरा वॉच करना है जिससे आपको पता चलेगा कैसे आप भी एक सक्सेसफुल रिएक्शन वीडियोस बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस नीचे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आगे का सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल के लाइव स्क्रीन पर बताऊंगा। गाइज आगे हम मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। जी हाँ गाइज, ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज क्लिक करने के बाद आपके सामने रेशो आ जाते हैं। तो गाइज आपको शॉर्ट्स रिएक्शन वीडियोस बनानी है। तो गाइज शॉर्ट्स रिएक्शन वीडियोस के लिए 9:16 परफेक्ट रेशो होता है। आप चाहे तो 1:1 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 9:16 रेशो रखें। तो गाइज उसके बाद आपको क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इंटर हो जाएंगे गैलरी में। तो गाइज यहां आपको एक वीडियोस क्लिप की जरूरत पड़ने वाली है जिस पर आप अपना रिएक्शन देने वाले हैं। तो गाइज मैंने एक वीडियोस क्लिप को डाउनलोड कर दिया। तो गाइज सबसे पहले मैं वीडियोस क्लिप को ले लूंगा। तो गाइज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपको वीडियोस क्लिप ऐसे कहां से डाउनलोड करने है विदाउट कॉपीराइट फ्री। तो गाइज मैं वीडियोस में आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने एक वीडियोस क्लिप ले लिया। तो गाइज वीडियोस क्लिप को लेने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज वीडियोस की लेयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पेन एंड जूम का ऑप्शन आता है। तो गाइज इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइज क्लिक करने के बाद आपको दोनों हाथों से पकड़ के आपको अपनी वीडियोस को सीट के नीचे ला लेने, यानी कि बॉटम पर ला लेने, वीडियोस के निचले हिस्से में आपको एडजस्ट कर देने अपनी इस वीडियोस क्लिप को जिस पर आप अपना रिएक्शन देने वाले। तो गाइस ये मैंने वीडियोस क्लिप नीचे ला लिया बॉटम में। तो गाइस आपको भी इसी तरह से नीचे ला लेना है, बॉटम में अपनी वीडियोस को एडजस्ट करने। उसके बाद आपको इक्वल्स टू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस क्लिक करने के बाद आपको यहां से बैक आ जाना। तो गाइस इतना प्रोसेस होने के बाद आपको अपना एक रिएक्शन वीडियोस बना देना है। आपको उसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं, बस आपको थोड़े बहुत हाथ हिलाने, थोड़ी बहुत मुंह से स्माइल दे देनी है, स्माइल देने के बाद थोड़ी बहुत कभी क्लैप कर देनी है, बस आपको इधर उधर देखना, थोड़ा बहुत रिएक्शन देना, बस बाकी आपको कोई बात करने की जरूरत। तो गाइस ऐसे ही मैंने एक छोटा सा वीडियोस क्लिप मतलब कैप्चर किया। तो गाइस मैं आपको वो लाके दिखाऊंगा। तो मुझे लेयर के ऑप्शन पर क्लिक किया। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पर जाना। तो गाइस मीडिया के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको ओपन कैमरा, मैंने अभी आपके सामने एक छोटा सा वीडियोस क्लिप मतलब ऐसे दिखा दिया आपको दिखाने के लिए, मैंने एक रिएक्शन वीडियो लाया। तो गाइस आपको उसको जूम करना है। जूम करने के बाद आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहां मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। तो गाइस आपको भी कुछ ऐसा रिएक्शन वीडियोस बना देना है। आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ बना देना है इतना सारा। तो गाइस ये मैंने बना दिया, इसको मैंने इतना कर दिया, ये गाइस मैंने यहां एडजस्ट कर लिया। आपको भी कुछ इस हिसाब का यहां अपना रिएक्शन वीडियो जो एडजस्ट कर लेने, बस आपको बाकी कुछ करने की जरूरत है। यहां से आपको बैक आ जाना है। तो गाइस बैक आने के बाद ये कुछ इस तरह का चलेगा। इडियट, बीच में खड़े हो, दिखाई नहीं देता। ओह शिट। तो गाइज कुछ इस तरह से आप टोटल 2 मिनट के अंदर अंदर रिएक्शन वीडियोस बना सकते हैं। तो गाइज रिएक्शन वीडियोस बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको एक काम करना है। आप चाहे तो जैसे कि मान लो ये मैंने वीडियोस क्लिप को एक बार वीडियोस क्लिप को मैंने इंटर क्लिक किया। तो गाइज क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ से आता है, यहाँ से वॉइस चेंजर का ऑप्शन आता है। तो गाइज वॉइस चेंजर पर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चिंपुक पर रख सकते हैं। चिंपुक पर रखने के बाद आपको यहाँ से बैक देना है। यहाँ से आपकी वॉल्यूम जो है चेंज हो सकती है। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो आप वो भी वॉइस रख सकते हैं। तो गाइस इतना प्रोसेस करने के बाद आपको एक और काम करना है। तो गाइस वो क्या काम करना है, आपको लेयर के ऑप्शन पर जाना है। लेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस क्लिक करने के बाद आपको लिखना है WATCH वॉच TILL वॉच टिल END। तो गाइज आपको इतना लिखना है। तो आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर आपको इसको एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा इसको आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट्स में ऑप्शन में जाना है। तो गाइज फॉन्ट्स में ऑप्शन पर जाने के बाद आपको नोटो सेरिफ बोल्ट में आपको ये वाला फॉन्ट्स लगा देना है। तो गाइज आपको इस फॉन्ट्स को क्लिक करके आपको ये फॉन्ट्स लगा लेना है। तो गाइज आपको इसको करना है, आपको फॉन्ट्स को ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, आपको कलर देना है। कलर हम इसमें दे देंगे रेड कलर दे देंगे। तो गाइज ये मैंने आपके सामने रेड कलर दे दिया। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा। तो गाइज बैकग्राउंड का आपको इजिली यहाँ पर बैकग्राउंड
बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। तो गाइस ये मैंने बैकग्राउंड इसका जैसे कि हल्का दे दिया, तो गाइस आप भी देख सकते हैं इसको बैकग्राउंड। तो गाइस आपको इतना लिख लेना है वॉच टिल एंड, तो गाइस आपको वॉच टिल एंड की लेयर को आपको पूरी वीडियोज में लगा देना। तो गाइस जैसे कि मैं आपके सामने पूरी वीडियोज में लगा रहा हूँ, तो गाइस ये आपके सामने कुछ इस टाइप की वीडियोज रहेगी। तो गाइज कुछ इस टाइप से आप अपनी एक रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। आपको वॉच टिल एंड लिखना ही लिखना है, यानी कि वॉच मतलब देखते रहे वीडियोस को टिल एंड तक, जरा आगे क्या होगा। तो गाइज इसी सेशन में लोग आपकी वीडियोस को एंड तक जो देख लेते हैं, तो गाइज उसके बाद चाहे तो आप अपनी वीडियोस को क्लिक करके आप यहां से स्क्रॉल डाउन करके आप अपनी वीडियोस को यहां से फिल्टर लगा सकते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बाकी आपको कोई फिल्टर लगाने की जरूरत भी नहीं, बस आपकी जो रिएक्शन वीडियोस है कंप्लीट बन के तैयार होगी। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये जो वीडियोस क्लिप को कहां से डाउनलोड करना है। तो गाइज आप मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिख दूंगा, आप मुझे वहां से डायरेक्ट फॉलो करके डीएम मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहीं सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं आपको यहां बताऊंगा कि आपको यूट्यूब से कैसे कैसे डाउनलोड करनी है, तो गाइज ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। तो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको बता दूंगा कि आपको ऐसी वीडियोस क्लिप को कैसे डाउनलोड करना है और कहां से करना है। तो गाइज वीडियोस क्लिप बनने के बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज यहां के आपको सेव एज वीडियोस पर क्लिक करना है। तो गाइज आपकी जो रिएक्शन शॉर्ट्स रिएक्शन वाली वीडियोस बनके तैयार हो जाएगी। ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।